इस IVR प्रशिक्षण में आप सभी जानेंगे मध्याह्न भोजन योजना बिहार के बारे में और IVR के सही इस्तेमाल के बारे में। बिहार के सभी प्रधान अध्यापकों को ई होराइजन्स और मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग की तरफ से दोपहर IVR प्रशिक्षण में हार्दिक अभिनंदन। कुपोषण आज भी भारत की एक सर्वव्यापक असमर्थता है। आज भी दुनिया के एक तिहाई कुपोषित बच्चे भारत देश में ही पाए जाते हैं, जिसमें से संपूर्ण भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या के दृष्टिकोण से बिहार राज्य तीसरे स्थान पर आता है। कुपोषण की वजह से बिहार राज्य में 58% बच्चों का वजन सामान्य से कम है, 42% बच्चे मानसिक रोग से ग्रस्त हैं और 28% पूर्णतः निःशक्त हैं। बिहार राज्य में बच्चों के कुपोषण को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार राज्य सरकार काफी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, किंतु कुपोषण जैसी चुनौती को खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको भी एकजुट होकर कुपोषित बच्चों के प्रति भावनात्मक होकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आशा है आप सभी लोगों के योगदान से ये समस्या जल्द ही बिहार राज्य से दूर हो सकेगी। मध्याह्न भोजन योजना के साथ भारत का एक लंबा इतिहास जुड़ा है। सन 1925 में मद्रास नगर निगम से शुरू हुई ये योजना अभिवांछित वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई थी। 1980 के दशक के आते आते तीन अन्य राज्यों गुजरात, केरला एवं तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पोंडिचेरी में व्यापक रूप से स्वयं संसाधनों से प्राथमिक स्तर पर पलने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई। उसी दौरान मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के आदिवासी बच्चों के लिए योजना शुरू की गई। 1990 के दशक तक आते आते 12 राज्यों ने सर्वव्यापक रूप से अपने राज्यों में अपने ही संसाधनों से योजना का बड़े पैमाने पर संचालन किया। आज भारत में चल रही मध्याह्न भोजन योजना विश्व की सबसे बड़ी दोपहर भोजन योजना के रूप में उभर कर आई है, जिसमें 12 करोड़ बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संचालित योजना है। सन 2005 में बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ 10 जिलों के 2531 प्राथमिक विद्यालयों में किया गया, जो कि बाद में इन जिलों के सभी 15,000 विद्यालयों में विस्तारित किया गया। इसी प्रकार इस योजना के विकास के तहत सभी 38 जिलों में इस मध्याह्न भोजन योजना को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। सन 2000 तक आते आते इस योजना का विस्तार सभी सरकारी और सभी सरकारी सहायता प्राप्त बाल संस्थाओं के 6 से 14 वर्ष के बच्चों में किया गया। बिहार में इस योजना का आरंभ 1995 के दशक में हुआ, जिसमें प्रत्येक छात्र को 3 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह वितरित किया गया। इस योजना को सही स्वरूप 2004 में 10 जिलों 30 प्रखंडों के प्रयोग के तौर पर तैयार भोजन के वितरण के साथ दिया गया और फिर वर्ष दर वर्ष इस योजना को पूर्ण रूप से लागू करते हुए प्राथमिक और मध्य प्राथमिक कक्षा के 2 करोड़ बच्चों को आच्छादित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के कार्य की प्रगति और उन्नति के आंकड़े, वर्ष दर वर्ष विद्यालयों में पहुंच की संख्या में विस्तार, भोजन के वितरण की उपलब्धि, रसोई घर का निर्माण, पर्याप्त रसोइयों का चयन इस स्लाइड के माध्यम से दर्शाए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना का सर्वप्रथम उद्देश्य पोषण के साथ साथ जीने का अधिकार बच्चों को देने हेतु योजना का लगातार अनुश्रवण करना एवं भोजन के माध्यम से उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना। जीवन, भोजन, शिक्षा तथा विद्यालय के छात्रों को एक साथ फलीभूत करना
और उनमें समानता की भावना का परिवेश करना। इस योजना के संचालन से सभी विद्यालयों की कक्षाओं में बैठे हुए छात्रों की भूख से संबंधित समस्या पर रोक लग पाएगा। साथ में बैठकर खाने से सामाजिक समानता में बढ़ोतरी होगी। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाएगा। विद्यालय में सहभागिता और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को बिना किसी अवरोध के गर्म तैयार भोजन का वितरण किया जाता है। विद्यालयों में उपस्थिति का बढ़ना, विशेष रूप से कन्याओं की उपस्थिति का बढ़ना, इस बात का प्रमाण है कि ये योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है। समाज के निचले तबके जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रसोई का रोजगार देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयत्न एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सभी छात्रों में स्वच्छता एवं सफाई के प्रति जागरूकता सभी विद्यालयों में देखने को मिल रही है। मध्याह्न भोजन योजना को और सशक्त करने के लिए विभाग बहुत से मजबूत कदम उठा रहा है। सभी विद्यालयों में रसोई उपकरणों का बजट निर्धारित किया गया है और अधिकतर विद्यालयों तक पहुंचा भी दिया गया है। जिन विद्यालयों में नहीं पहुंचा पाया है वहां पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। एप्रोन और टोपी का प्रबंध किया गया है और सभी विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। मेनू के अनुसार भोजन का अनुशासित तरीके से वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। राशि और खाद्यान्न के समय पर वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली MIS का उपयोग किया जा रहा है। योजना का सही क्रियान्वयन करने और राज्य के सभी छात्रों तक योजना को पहुंचाने के लिए आंकड़ों का संग्रह करने की आवश्यकता है और इसलिए दोपहर IVR लागू किया गया है। अगर कहीं पर योजना के पहुंचने में कोई अवरोध आ रहा है तो वो दोपहर IVR के माध्यम से पता चल पाएगा और उसको समय सार दूर किया जा सकेगा। मध्याह्न भोजन योजना का मेनू दृढ़तापूर्ण अनुपालन किए जाने से बच्चे की आवश्यकता अनुसार पोषण को सुनिश्चित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए परिवर्तन मूल्य निम्न प्रकार से हैं: वर्ग 1 से 5 के लिए ₹3.14 प्रति बच्चा प्रतिदिन और वर्ग 6 से 8 के लिए ₹4.65 प्रति बच्चा प्रतिदिन। सोमवार से गुरुवार को प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय पर सभी प्रधान अध्यापकों को 0612-66-08888 से एक कॉल आएगा। ये कॉल रोजाना प्रातः 10 बजे से दिन के 3 बजे के बीच में ही आएगा। ये कॉल आपको नमस्कार करते हुए 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए होगा, जिसके जवाब में आपको अपने फोन पर बने अंकों को दबाना होगा। यानी कि अगर आपके स्कूल में 350 बच्चे उपस्थित हैं, तो अपने फोन पर बने अंकों में से 3, 5 और 0 दबाएंगे। दोपहर IVR सिस्टम आपसे दूसरा सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल होगा, आज कितने बच्चों का भोजन वितरित किया गया है, जिसके जवाब में आपको अपने फोन पर बने अंकों को दबाना होगा। यानी अगर 300 बच्चों को भोजन वितरित किया गया है तो अपने फोन पर बने अंकों में से 3, 0 और 0 दबाएं। सही अंकों के मिलते ही IVR आपसे तीसरा सवाल करेगा। तीसरा सवाल होगा, यदि आज भोजन मेनू के अनुसार बना है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। सवाल का अर्थ है कि क्या आज भोजन मेनू के अनुसार बना है या नहीं। एक बात विशेष है, तीसरा प्रश्न बदल बदल कर पूछा जाएगा और ये प्रश्न हाँ या ना के विकल्प में से चुनना होगा। हालांकि ये सवाल हर 8 से 12 हफ्ते में बदला जाएगा, फिर भी ध्यान से सुनकर ही जवाब दें।
प्रत्येक शुक्रवार का दोपहर आईवीआर। प्रत्येक शुक्रवार को इन्हीं तीन सवालों के अंत में दो और सवाल पूछे जाएंगे, जो खाद्यान्न और राशि की उपलब्धता के बारे में होंगे। उदाहरण के लिए, क्या आपके विद्यालय में अगले एक सप्ताह के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तो अपने फोन पर बने अंकों में से एक दबाएं। यदि उपलब्ध न हो तो अपने फोन पर बने अंकों में से दो दबाएंगे। इस प्रकार आपको धन्यवाद करते हुए कॉल समाप्त होगा। प्रत्येक दिन कॉल प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक आएगा। कभी कभी कॉल थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, परंतु अधिकतर समय अनुसार ही आएगा। अगर किसी भी विद्यालय के प्रधान अध्यापक का नंबर किसी कारणवश नहीं लगा तो बाकी दो नंबर पर भी कॉल किया जाएगा। ये कॉल एक के बाद एक 5 बार किया जाएगा। सभी विद्यालयों से ये निवेदन है कि वो तीन सवालों के जवाब अपने पास तैयार रखें। जिस किसी का फोन कनेक्ट हो जाएगा और दोपहर आईवीआर को संख्या मिल जाएगी तो उसके बाद उस दिन कॉल नहीं आएगा। मध्याह्न भोजन योजना एक लोककारी योजना है। इसमें गलत आंकड़े दर्ज न करें। पहला सवाल उपस्थिति का होगा। अगर आज की उपस्थिति शून्य हुई तब अगला सवाल नहीं पूछा जाएगा। भोजन का वितरण कभी भी उपस्थिति से ज्यादा नहीं होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लाभान्वित के आंकड़े उपस्थिति के आंकड़ों से ज्यादा नहीं हो सकते। अपना मोबाइल नंबर न बदलें। यदि किसी भी कारणवश मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत पड़े तो विभाग को सूचित करें। अगर कोई भी आंकड़े पहली बार में ठीक से न दिए गए तो दोपहर आईवीआर दोबारा प्रश्न पूछेगा। पूरा प्रश्न खत्म होने का इंतजार न करें और आंकड़े दोबारा दर्ज कर दें। मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय के प्रधान अध्यापकों का रहा है। आपके सहयोग के कारण ही मध्याह्न भोजन योजना का बिहार में सफलता से संचालन हो रहा है। आपके सहयोग के बिना इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता है। विगत वर्षों से आपके सकारात्मक सहयोग से ही ये योजना इतने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार संचालित कर पा रही है। अतः भविष्य में भी इस योजना को सफल बनाने हेतु आप सबका महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही दोपहर आईवीआर को सफल बनाने हेतु आपके महत्वपूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। पोषण के साथ जीने का आधार, मध्याह्न भोजन योजना बच्चों का अधिकार, खुशहाल बच्चों से उन्नत बिहार।